ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें। साथ ही नकल से सावधान रहें। दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं, जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि, तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल हो। आप सभी को मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी रिप्लाई में बोले कि ये गुरुजी का नंबर है, आप इस पर कॉल लगा लीजिए, या फिर आपको बोले कि बेटा हम आपका काम कर देंगे, इस नंबर पे कॉल लगाइए, तो ऐसे लोगों से कदा भी संपर्क मत कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि किसी ने आपको ऐसे कमेंट में, रिप्लाई में ये लिखकर बोला है कि बेटा आपका काम यहाँ बनेगा, यहाँ कॉल कीजिए, या किसी भी तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपका काम बनेगा, या उन्होंने कहा मैं किसी भी गुरु के पास गया, मेरा काम नहीं बना, और मैं फला गुरु के पास गया और मेरा काम बन गया, तो ऐसे लोगों से अपना रास्ता रखिए, दूरी बना के रखिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि ऐसे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, तो समझदार बनिए, इनको इग्नोर करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ओम नमः शिवाय। आप सभी की मंगल कामना के साथ एक बार फिर से मेरी वीडियो आप सभी के समक्ष हाजिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कस्तूरी क्या होती है, क्या होती है ब्रह्म कस्तूरी, ये दिखती कैसी है और इसके लाभ क्या होते हैं। बहुत से साधक और साधिकाएं ये नहीं जानती कि कस्तूरी के लाभ क्या होते हैं, अपितु उन्हें इतना पता है कि कस्तूरी से खुशबू आती है, लेकिन ये नहीं जानते लोग कि जो ब्रह्म कस्तूरी होती है, मात्र उसी में खुशबू आती है, उसी में सुगंध आती है। और कस्तूरी की खुशबू ऐसी होती है जो इंसान को दूर से ही लाभान्वित कर देती है, दूर से ही पता लगने लगता है कि इसके पास कुछ अलग सी चीज़ है। ब्रह्म कस्तूरी न केवल खुशबू देती है, बहुत से रोगों में भी वो कारगर होती है। यदि आप में से किसी के पास भी ब्रह्म कस्तूरी है या होगी, तो वह दूसरों से भिन्न अपने आप ही दिखने लगता है। ब्रह्म कस्तूरी को हासिल करने से, वैसे तो यह हर किसी को नहीं मिलती, नसीब का खेल है, परंतु यदि ब्रह्म कस्तूरी मिल जाए तो यह बहुत ही चमत्कारी चीज होती है। इससे व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसके मन के भाव हैं, वो तक बदल जाते हैं। जिस प्रकार से यदि आप इत्र लगाते हैं और किसी के समक्ष जाते हैं, तो वह आपके इत्र की खुशबू से प्रसन्न हो जाता है, उसको आप अच्छे लगने लगते हैं, उसका चेहरा खिल जाता है। उसी प्रकार से यदि आपके पास कस्तूरी होगी तो सर्वजन वशीकरण हो जाता है, यानी सभी आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ब्रह्म कस्तूरी को रखने से पैसों में भी लाभ मिलता है। ब्रह्म कस्तूरी का जो सबसे बड़ा लाभ होता है, वो आपकी सेहत के लिए भी होता है। ब्रह्म कस्तूरी से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, क्योंकि वह खुशबू का कारक है। आपके रिलेशनशिप, जो भी आपके संबंध किसी के साथ हैं, अच्छे या बुरे, उनमें सुधार आने लगता है। ब्रह्म कस्तूरी हर किसी को नहीं मिलेगी। ब्रह्म कस्तूरी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके नसीब में होगी, क्योंकि इस दुनिया में सब नसीब का खेल होता है। ब्रह्म कस्तूरी जो व्यक्ति अपने पास रखता है, उसके दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। ब्रह्म कस्तूरी की एक और खासियत ये है कि ब्रह्म कस्तूरी जो सुगंध छोड़ती है, जो सुगंध ब्रह्म कस्तूरी में से आती है, वो कभी खत्म नहीं होती, और ये इतनी अच्छी सुगंध होती है कि हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि असली ब्रह्म कस्तूरी क्या होती है और ये कैसे दिखती है।
ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ब्रह्म कस्तूरी है और ये असली ब्रह्म कस्तूरी है। देख लीजिए, यदि आप कभी ब्रह्म कस्तूरी कहीं से लें तो इसको मैच कर लीजिएगा, यदि इसके जैसी हो तो ही लीजिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ की नकल होना संभव है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्म कस्तूरी सेहत में भी बहुत ज़्यादा लाभ करती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, मात्र ब्रह्म कस्तूरी को अपने पास रखने से भी सेहत ठीक हो जाती है। ब्रह्म कस्तूरी की पहचान क्या है, आप सब यही पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ब्रह्म कस्तूरी में खुशबू हमेशा आती रहेगी, चाहे आप उसे धूप में रखें या कहीं पर भी, उसकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। ब्रह्म कस्तूरी अपने आप में एक चमत्कारी वस्तु होती है। कस्तूरियों में भी सबसे सर्वोपरि ब्रह्म कस्तूरी मानी जाती है। एक ही कस्तूरी नहीं होती जिसमें खुशबू आती है, कस्तूरियों की अलग अलग श्रेणी होती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें खुशबू नहीं आती, किंतु सबसे सर्वोपरि जो है वो है ब्रह्म कस्तूरी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं ब्रह्म कस्तूरी लें तो उसका परीक्षण करना ना भूलें। एक लहसुन लें, उसके अंदर सुई चुबो दें और उस सुई को निकालें तो उसमें लहसुन की खुशबू आएगी, और वही जो आपकी सुई है उसको ब्रह्म कस्तूरी में चुबो दें और उसके बाद उसको निकालें। आप सूंघ कर देखिएगा, यदि लहसुन की खुशबू नहीं आ रही तो वो असली है, और अगर बाद में लहसुन की खुशबू फिर भी आ रही है सुई चुबोने के बाद भी, तो समझे ये ब्रह्म कस्तूरी नकली है, नकल है ये। हमेशा असली चीज़ें लें तभी जीवन में परिवर्तन आता है। आर्टिफिशियल चीज़ें लेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। कहीं से भी आपको माध्यम मिले, आप वहाँ से असली ब्रह्म कस्तूरी ले लें और उसे अपने पास रखें। इसको सिर्फ अपने पास रखना होता है। ब्रह्म कस्तूरी को अपने पूरे शरीर पर लगा लेंगे तो आपको इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्म कस्तूरी के इतने फ़ायदे हैं, यदि मैं अभी गिनाने शुरू कर दूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत छोटी पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारी साधिकाएं हैं जो ग्रुप में शामिल हैं, उन सब के लिए तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, लेकिन जितने लोग हैं जो दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, हमारे चैनल के नाम से बहुत सारे चैनल हैं, उनके नाम में वो समझ नहीं पाते असली कौन सा है और नकली कौन सा है, तो वेरीफाइड का निशान ज़रूर देखिए और वहाँ से आपको पता लगेगा। और आज मैं आपको एक और बहुत अच्छी वीडियो देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा एक 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 का रहस्य क्या होता है, यानी कि 11:11 का रहस्य। तो दुर्लभ सामग्री को देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का संकल्प आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ब्रह्म कस्तूरी के कुछ फ़ायदे बताए हैं, और ये फ़ायदे इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। ये तो ठीक वैसी ही बात है, जो तन लागे सो तन जाने, जिसके पास होगी वही जानेगा, बाकी तो सब देखते रहेंगे। और अंत में इतना ही कहूँगा कि उस प्रभु को याद करिए, प्रभु की याद में रहिए, क्योंकि जब आपका मन उससे लग जाएगा तो गदगद गीरा नयन बहु नीरा, आपकी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे उसकी याद में, और जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए आपको प्रभु याद कर रहे हैं, आपका मन पूरा लग गया है उनमें। तो मन को ज़रूर लगाइए, कोशिश करिए, मात्र कोशिश तो कर ही सकते हैं। यदि आपका मन नहीं लगता फिर भी आप मन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये एक मिनट में कहीं पहुंच जाता है, इसको रोकना सीखिए और वीडियोस को यूं ही देखते रहिए।